हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आपका CSR नेट का एडमिट कार्ड आ चुका है, अब उसी के रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट हैं जिनको मैं आज क्लियर करूंगा। कि जैसे आप जानना चाह रहे थे कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या भरना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में अलाउड है और क्या चीज़ें जो अलाउ नहीं है, और क्या कोविड गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है CSR नेट के एग्ज़ाम के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो पहला चीज़ भरनी है उसमें ये भरना है कि अगर आपको कोई भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो आप इसमें टिक कर दीजिए। तो जनरली तो इसको आप ब्लैंक ही छोड़ेंगे क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, आपको फीवर है, कफ है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। पर हाँ, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं और टिक कर सकते हैं। सेकंड पूछा हुआ है कि आप क्या क्लोज कॉन्टैक्ट में थे किसी भी कोविड-19 पर्सन के साथ, तो आप यहाँ पे नो लिखेंगे। और अगर आपको लगता है कि यस लिखना चाहिए तो आप यस लिख सकते हैं, पर मैं कहूँगा आप नो ही लिखें। थर्ड, ये लिखा हुआ है कि आप किसी कोविड-19 पर्सन के कांटेक्ट में तो नहीं थे और ना ही क्वारंटाइन में थे, तो आप लिखेंगे यस, हाँ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं था। और लास्ट लिखा हुआ है कि आप सेंटर में आने से पहले किन किन सिटी में ट्रैवल किए, तो आप यहाँ पे नो लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि नहीं तो आपको सारी सिटीज़ भरनी पड़ेंगी और सारी जानकारी देनी पड़ेंगी। अब आपकी मर्जी है कि आप अगर कहीं से ट्रैवल करके आए हैं तो आप सारी सिटीज़ लिख सकते हैं, और नहीं ट्रैवल करके आए हैं तो आपको सिटीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब डाटा है जो आपको भरना है। तो बाकी जनरल केस में मैंने आपको बता दिया है, आप ऊपर वाले को ब्लैंक छोड़ दें, फिर नो यस नो लिख दें, और इसको भी ब्लैंक छोड़ दें। और देन आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर चिपकाएंगे, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपकी फ़ोटो है वही सेम आप यहाँ पर चिपकाएंगे, और नहीं भी है तो आप कोई बात नहीं दूसरी चिपका सकते हैं। और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। तो यानी, और ये सब काम जो आपको करना है वो सेंटर में पहुंचने से पहले करना है, यानी आप घर पे ही कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं इंस्ट्रक्शन की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो ये है कि आपको सेंटर में टाइम से पहुंचना है, और रिपोर्टिंग टाइम के बाद कोई भी एंट्री नहीं है, और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 2:20 है। तो आप देख सकते हैं आपको 2:20 तक सेंटर में पहुंच जाना है, और आपको पता है जैसे कि आपका एग्जाम 3 बजे से है, नहीं आपकी रिपोर्टिंग टाइम 2:20 40 मिनट्स पहले है, और आपके जो एग्ज़ाम के गेट जो क्लोज हो जाएंगे वो 2:30 पे हो जाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम से 1 आवर पहले ही पहुंच जाएं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आपको तीनों ही पेज डाउनलोड करने हैं एडमिट कार्ड के। तो जो आपका क्वेश्चन आ रहा था ना कि सर एडमिट कार्ड ही ले जाना है या डाउनलोड करें या दो या तीन, तो आपको तीनों ही करने, लिखा हुआ है साफ साफ, द कैंडिडेट हैज़ टू डाउनलोड ऑल 3 पेजेस। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको देखिए एग्जामिनेशन सेंटर में विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फिक्सिंग के थ्रू ही जाने दिया जाएगा। आपको ले जाना क्या क्या है, तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, और ट्रांसपेरेंट बॉल पेंट तो आप में होना ही चाहिए, और साथ में आप सेल्फ डिक्लेरेशन भर के रखें बिल्कुल। पासपोर्ट साइज आपको ले जानी है अटेंडेंस सीट में पेस्ट करने के लिए, तो याद रखना पासपोर्ट साइज भी आपके पास होनी चाहिए, और मैं आपको कहूँगा आप 2 पासपोर्ट साइज रख लें। और लास्ट आप वैलिड आईडी प्रूफ भी अपने पास रख लें, तो वैलिड आईडी प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटर में पहुंचने से पहले वही आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, ये द्वारा लिखा हुआ है कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपका सेंटर में पहुंचने से पहले भर देना चाहिए आपको। और अगर मैं आपको बात करूं कि आपको कौन सा आईडी प्रूफ ले जाना है, तो आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड कुछ भी ले जा सकते हैं। पर ये चीज़ याद रखें कि मोबाइल में नहीं होना चाहिए, ना स्कैन कॉपी होनी चाहिए, ये आपके पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए दिखाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप मोबाइल में दिखा दें या स्कैन कॉपी दिखा दें, वो भी बिल्कुल कंसिडर नहीं की जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही बातें जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रफ शीट आपको मिलेगी और लिखा हुआ भी है कि बिफोर द एग्जामिनेशन आपके 6 नंबर ऑफ रफ शीट्स आपके डेस्क में रखी रहेगी। तो आप टेंशन ना लें कि रफ शीट आपको नहीं मिलेगी, आप दोबारा भी ले सकते हैं अगर आपको कम पड़ती है तो। साथ में आपको मास्क भी प्रोवाइड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको मास्क प्रोवाइड होगा, तो जो भी मास्क आप लाएंगे तो उसे आपको अपनी जेब में रखना है और उसी मास्क को यूज़ करना है जो सेंटर में आपको दिया जाएगा। एंड लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम खत्म होने के बाद अपना एडमिट कार्ड और रफ शीट दोनों ही वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स में डालनी है, जो भी बॉक्स वहाँ पे रखा होगा उसमें आपको अपनी रफ शीट और एडमिट कार्ड डालना है एग्जाम खत्म होने के बाद। और कोई भी अगर ऐसा नहीं करता है तो डिसक्वालिफिकेशन भी हो सकता है एग्जाम से, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप इन सब रूल्स को फॉलो करें, और कोविड-19 के रिगार्डिंग भी आप डिस्टेंस को मेंटेन करें। और साथ में आपको ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना है, तो प्लीज़ आप इसके लिए कंफ्यूज ना हो कि आपको वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना है। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।